फ्रेंड्स, आज हम लोग लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 जो नया लैपटॉप है उसमें रैम अपग्रेड करेंगे। इसमें ऑलरेडी 8GB लगा हुआ है, फिर हम लोग 8GB लगाएंगे। ये देखता है, ये वाला अभी पूरा खुलना पड़ेगा। बैक कवर एक बार सारा स्क्रू खुल लेते हैं, जो बॉटम कवर होता है उसमें उसको एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि सब अंदर में ही है रैम। उसका पहले देखिए, नया रैम है, 8GB रैम है, 32 FHP का DDR4 रैम है। ये नया लैपटॉप है, मतलब DDR4 ही इसमें फिट होगा। इसमें देखिए, हाँ एक स्लॉट तो खाली दिखा रहे। तो इसको उसका पहले हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जरूरी है। ये खाली स्लॉट में हम लोग नया रैम लगा देता है, उसके बाद एक बार फिर बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। ज़्यादा काम नहीं है इसमें, छोटा सा ही काम है। चलिए, फिर बैक कवर लगा दिया, एक बार सारा स्क्रू फिट कर दीजिए। वही मतलब लैपटॉप फास्ट चलना चाहिए आजकल। तो एक बार हो गया, अगर ऑन करके देखता है नया रैम का हालात, एक्सेप्ट किया है नहीं किया, पासवर्ड मार दिया तो सिस्टम का प्रॉपर्टीज एक बार देख लेता है। चलिए, हाँ इसमें तो ठीक है, 16GB दिख रहा है। पहले 8GB था, अभी फिर 8GB, तो दोनों मिलेगा 16GB दिख रहा है अभी। तो रैम बढ़िया से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर मिलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।